até a vaca. रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फहीम सिद्दीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फहीम सिद्दीकी। हम इस वक्त मौजूद हैं तिजोरी हाइट्स पे और यहाँ पर अब तक की होने वाली कार्रवाई से आपको आगाह कर रहे हैं। तिजोरी हाइट्स का ऑफिस तो पहले ही तोड़ा जा चुका था और अब ग्राउंड फ्लोर का पोर्शन भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। चंद पिलर दो तीन बाकी हैं और ये स्ट्रक्चर मौजूद है जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त। ये कुछ अंदरूनी हिस्से हैं। मशीन अभी भी मौजूद है यहाँ पे और काम जारी है। शाम का वक्त हो चुका है। सरिये अब निकाल के जमा किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं दूसरी साइड से और वहाँ से मज़ीद आपको तिजोरी हाइट्स की अपडेट देते हैं। यहाँ से दूसरी तरफ से भी आप देखिए सरिये और टूटे हुए मलबे का ढेर लगा हुआ है। अब सरिये निकाले जाएंगे, उसके बाद यहाँ से मलबा क्लियर किया जाएगा। ऊपर जाने का जीना अभी भी मौजूद है। ये बाकी आते हैं जो इस वक्त तिजोरी हाइट्स की बाकी हैं, यकीनन ये भी एक दो रोज़ में क्लियर हो जाएंगी। टनों सरिया यहाँ पे पड़ा हुआ है इस वक्त। पिलर देख रहे हैं आप, टूटे हुए पिलर को कितने मजबूत सरिये इसमें इस्तेमाल किए गए थे। और ये शानदार बिल्डिंग इस वक्त मलबे का ढेर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान इस बिल्डिंग को क्लियर किया गया। आठ दस फीट ऊंचा ये पहाड़ सरियों का सड़क के दूसरी जानेब जमा किया जा रहा है और ये ढेर लगा हुआ है और ये सब तिजोरी हाइट से निकाला गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत ये सारी जगह को क्लियर किया गया है। बाकी मलबा भी चंद ही दिनों में यहाँ से साफ कर दिया जाएगा। तो ये है बाकी आज तिजोरी हाइट्स की। बस यही हिस्सा रह गया स्ट्रक्चर का, RCC यहाँ पे। इसके अलावा सबका सब मलबा आपके सामने मौजूद है। सरिये के ढेर लगे हुए हैं। तो ये थी छोटी सी अपडेट। पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली अपडेट के साथ। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।